परी का जादुई पर्स। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उसी में एक मोना नाम की परी रहती थी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और कभी भी अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करती थी। एक बार की बात है, रानी परी ने सभी परियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं परीलोक में एक सुंदरता की प्रतियोगिता रख रही हूँ। जो इस प्रतियोगिता में सबसे सुंदर दिखेगी, उसे मैं एक जादुई पर्स दूंगी। ये सुनकर सभी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी उस प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने लगती है। वहाँ से आने के बाद टीना परी अपनी दोस्त रीमा परी से कहती है, इस प्रतियोगिता में तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और उस जादुई पर्स को हासिल करूंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, पर तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि तुमसे सुंदर भी और परियां हैं। वैसे मोना परी भी कम सुंदर नहीं है। शायद इस बार मुझे लगता है वही प्रतियोगिता में विजेता होगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मेरी नहीं मोना परी की दोस्त हो। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ जो सही है। मोना परी सारी परियों में बहुत ज्यादा सुंदर है और ये बात तो तुम्हें भी नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि मोना परी सारी परियों में सुंदर है, पर फिर भी मैं उससे ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और उस जादुई पर्स को लेकर आऊंगी। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि मुझे वो जादुई पर्स मिल गया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, वो तो कल ही पता लगेगा क्या होता है। इसके बाद वो दोनों परियां वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है और सारी परियां सज संवर कर परीलोक के बगीचे में आ जाती है, क्योंकि परीलोक का बगीचा सबसे सुंदर था और प्रतियोगिता उसी में हो रही थी। सभी परियां बहुत ज्यादा सज संवर कर आई थी। वही मोना परी ने सभी परियों की अपेक्षा बहुत ही कम सिंगार किया था, जिस वजह से मोना परी सबसे अलग और सबसे सुंदर नजर आ रही थी। जब रानी परियों ने सभी परियों को देखा तो वो तुरंत ही निर्णय पर पहुंच गई और उन्होंने मोना परी को विजेता घोषित करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज की प्रतियोगिता की विजेता मोना परी है, क्योंकि मोना परी ने कुछ भी सजावट नहीं की। वो बिल्कुल सादा और सिंपल थी, जिस वजह से वो सारी परियों से अलग और सबसे सुंदर लग रही थी। इस पर टीना परी को काफी गुस्सा आती है और वहाँ से चली जाती है। रानी परी मोना परी को जादुई पर्स दे देती है, जिससे मोना परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रानी परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे विजेता घोषित किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं प्रतियोगिता की विजेता रहूंगी। पर मुझे तो पहले ही पता लग गया, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं समझ गई तुम ही इस प्रतियोगिता को जीतोगी, क्योंकि तुमने सादगी से प्रतियोगिता जीती है। इसके बाद सारी परियां वहां से चली जाती है और मोना परी भी अपनी जादुई पर्स लेकर घर आ जाती है। और अब वो बहुत ही खुश थी कि उसके पास जादुई पर्स था। वहीं दूसरी तरफ टीना परी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि उसने प्रतियोगिता नहीं जीत पाई और उसे जादुई पर्स नहीं मिला, और वो अपने आप से कहती है, भले ही मैं प्रतियोगिता नहीं जीत पाई, पर मैं उस मोना परी से वो जादुई पर्स लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, मोना परी मालती परी के साथ बगीचे में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर टीना परी आ जाती है और मोना परी से कहती है, अरे मोना परी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं यदि तुम्हें धूप लग गई तो तुम काली मत हो जाना। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी कि जादुई पर्स पाकर तुम तो बहुत खुश हो रही होंगी, पर तुम ये नहीं जानती हो कि उस जादुई पर्स को मेरा होना था, पर उसे तुमने ले लिया। ये बात तुम रानी परी से कहो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वो जादुई पर्स दिया है। तो यदि तुम्हें कुछ कहना है तो तुम रानी परी से जाके कहो। उनसे मुझे कुछ भी नहीं कहना, उनकी आंखों पर तो तुम्हारी सुंदरता का पर्दा डला हुआ है। तुम मोना परी से ऐसी बात क्यों कर रही हो? यदि तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम रानी परी से बात करो। मालती परी, तुम तो बीच में मत बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
और ये कहकर टीना परी वहाँ से चली जाती है। टीना परी के जाने के बाद मालती परी मोना परी से कहती है, इस टीना परी को क्या हो गया, ये इस तरह क्यों बात कर रही है? लगता है इसे जादुई पर्स नहीं मिला, इस वजह से ये इस तरह व्यवहार कर रही है। मुझे इस बारे में रानी परी से बात करनी होगी। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो, तुम्हें रानी परी से बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह टीना परी का व्यवहार रहा तो वो किसी को हानि भी पहुंचा सकती है। इसके बाद वो दोनों परियां काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर मोना परी रानी परी से मिलने के लिए निकल जाती है। रानी परी के पास पहुंचने पर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। इस पर रानी परी मोना परी से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं टीना परी को देख लूंगी। और इसके बाद मोना परी अपने घर पर आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन जब रानी परी अपने महल में आराम से सो रही होती है, तभी टीना परी वहाँ पर चुपचाप आती है और रानी परी पर हमला कर देती है, जिससे रानी परी घायल हो जाती है और वो मदद के लिए पुकारने लगती है। रानी परी की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और जब मोना परी रानी परी को घायल देखती है तो वो टीना परी को अपनी शक्तियों से रानी परी से दूर कर देती है और फिर वो रानी परी को जादुई पर्स की मदद से सही कर देती है। इसके बाद रानी परी टीना परी को बंदी बना लेती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की, क्या इसलिए मैंने तुम्हें परीलोक में रखा था? इस पर टीना परी रानी परी से कहती है, आपने मुझे जादुई पर्स नहीं दिया और इसी वजह से मैंने आप पर हमला किया है। अच्छा, तो ये बात है, तो इस वजह से तुमने मुझ पर हमला किया। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जादुई पर्स नहीं दिया, वरना ना जाने तुम क्या क्या करती और इससे तुम एक बुरी परी बन जाती। अब तुम हमेशा हमारे बंदी गृह में रहोगी। और ये कहकर वो टीना परी को बंदी गृह में डलवा देती है, जिससे सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर रानी परी मोना परी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की, मुझे खुशी है कि मैंने जादुई पर्स तुम्हें दिया। यदि ये पर्स टीना परी को मिल जाता तो वो कुछ भी कर सकती थी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि टीना परी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद सारी परियां अपने अपने घर चली जाती है और मोना परी भी अपने घर आ जाती है और अब वो बहुत ही खुश थी कि रानी परी और जादुई पर्स एकदम ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। गरीब छोटी बहू। जमशेदपुर नाम के छोटे से गांव में एक सुखीराम नाम का धनी व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और तीन बेटे थे। सुखीराम ने अपने दोनों बेटों की शादी धनी परिवार की लड़कियों से बड़ी धूमधाम से करवाई, लेकिन सुखीराम के छोटे बेटे रवि ने अपनी मर्जी से मीना नाम की एक गरीब लड़की से ब्याह रचाया। मीना कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। शादी के अगले दिन से ही वो घर के सारे काम संभालने लगी। वहीं दूसरी ओर कामिनी की दोनों बड़ी बहुएं सारा दिन भर टीवी के सामने बैठा करती, घर का कोई भी काम नहीं करती और न ही कामिनी उन दोनों को कुछ काम करने को कहती। बस अपनी छोटी बहू मीना को ही घर का सारा काम करने को कहती रहती। मीना, तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मेरी दोनों बहू टीवी देख रही होती है तो यहाँ मत आया करो, जाओ यहाँ से, साफ सफाई बाद में कर लेना, जाकर पहले सबके लिए खाना बनाओ। मीना चुपचाप घर का सारा काम करती और किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती। एक दिन सुखीराम ने कामिनी से कहा, देखो कामिनी, तुम बहुत गलत कर रही हो, हमारी तीनों बहू एक समान है, फिर तुम अपनी छोटी बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, उससे ही घर का सारा काम क्यों करवाती हो? इसमें गलत क्या है, हमारे दोनों बड़ी बहू धनी परिवार से आई है, उन्हें घर के कामकाज करने नहीं आते और ये ठहरी गरीब घर की, वो बहू कम नौकरानी ज्यादा लगती है। उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी जो इस घर की बहू बनती, वो तो मेरे बेटे की वजह से। माँ,
आप ये क्या कह रही हो? मीना मेरी पत्नी है और आपकी बहू। आप मीना के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। वो गरीब घर से है तो क्या हुआ, वो बहुत गुणी और संस्कारी है। तू चुप कर, बड़ा आया बीवी की तरफदारी करने। मुझे मत समझा कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके घर में एक परंपरा थी कि हर साल घर की बहू कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती थी। तीनों बहुएं अपना अपना सामान पैक करके अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों बहुओं ने फोन करके ओला कैब बुक किया। कामिनी उन्हें हंसते हुए विदा करते हुए बोली, ध्यान से जाना तुम दोनों, एक हफ्ता क्या, जितना दिन मन करे उतना दिन रह कर आना, सभी को मेरा नमस्ते कहना। अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। दोनों बहुएं ओला कैब में बैठकर वहां से चली गई, लेकिन मीना अपने सामान के साथ वहीं खड़ी रही। क्यों रे, क्या तुझे अलग से बोलना पड़ेगा? क्या तुझे नहीं जाना अपने गांव? तेरे लिए यहां कोई टैक्सी या कैब नहीं आएगी। कुछ दूर पैदल चलेगी तो एक बस स्टॉप मिलेगा, वहीं से गांव जाने के लिए बस पकड़ लेना। और हाँ, एक हफ्ते में वापस आ जाना, समझी? ज्यादा रुकने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत काम है, अब जाती क्यों नहीं? इतना कहते ही कामिनी का अचानक सिर चकराने लगा। वह जमीन पर गिरने ही वाली थी तभी मीना जल्दी से अपना सहारा देकर उन्हें कमरे में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया और फिर जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर पर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा, सुखी राम जी, इनका बीपी और शुगर लेवल दोनों बढ़ा हुआ है, इनका खास ख्याल रखना होगा। सही समय पर दवाइयाँ और खान पान का विशेष ध्यान देना होगा। जितना हो सके आराम करने देना और बिस्तर से बिल्कुल भी उठने मत देना, नहीं तो आगे जाकर इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से मीना अपने सास की अच्छे से देखभाल करने लगी, सही समय पर खाना खिलाना और साथ ही साथ समय पर दवाइयाँ देने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर संभालने लगी। कुछ ही दिनों में कामिनी बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो गई। दोनों बहुएं भी कुछ दिनों के बाद अपने मायके से वापस आ गई। मीना, अब मेरी तबीयत ठीक है, मेरी वजह से तुम अपने गांव नहीं जा सकी, अब तुम अपने गांव जाओ। माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ के समान हो, इसलिए आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने इस घर में कदम रखा उसी दिन ये घर मेरा हो गया। आपके सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं गांव कैसे जा सकती हूँ? कामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, मुझे माफ कर दो मीना, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार की, मैं पैसों के अहंकार में अंधी हो गई थी, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। बहू तो बेटी समान होती है, मैंने अपनी दोनों बहू को बेटी जैसा प्यार दिया पर तुम्हें नहीं दिया, आज से मैं तुम्हें बेटी की तरह मानूंगी। पास में खड़ी दोनों बहुएं में से बड़ी बहू बोली, आपने सही कहा माँ जी, मीना के साथ हमने भी गलत व्यवहार किया, अब से हम सब मिलकर रहेंगे माँ जी। उस दिन के बाद से कामिनी दोनों बहुओं की तरह मीना को भी उसी नज़र से देखने लगी। तीनों बहुओं को एक साथ घर संभालते हुए देखकर कामिनी बहुत खुश हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।